अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हमारी तैयारी चेक कर लें जी। आज हम जा रहे हैं अफ्तार डिनर पे, तो उसके लिए जो है मैंने ये अदीन और रबिया के जो हैं ये कपड़े यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। और ये है जी आज का मेरा सूट, ये वाला मैं पहन के जा रही हूँ मारिया बी का। और आप सब ने भी यही कहा था जी ये वाला पहन के जाएँ, तो इसके साथ शॉल भी है, तो आज यही पहनूँगी क्योंकि बाहर सर्दी भी है, तो यही सूट जो है ना ठीक है। आज बड़े दिनों के बाद मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, लेकिन फीलिंग गुड, ग्रेट फीलिंग आ रही है। तो वैसे ही मैं तैयार हुआ करूँगी क्योंकि काम जो है अब टाटा बाइक करने का काम को टाइम आ गया है, तो अब जो है ऐसे ही आप मुझे देखेंगे फ्रेश और हंसती मुस्कुराती। छिक्के जाओ नी, मेरे पुत्र का रोज है ये। छिक्के जाओ, यहाँ पे इसको लगी हुई है भूख, तो अपना खा रही है चॉकलेट रैप जी। मैं कोट अपना साथ ऐसे पहन लेती, फैशन खराब हो जाना, लेकिन बाहर सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको जो है अभी मैं सेट करती हूँ अपने कोट को। और जी कार हमारी यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो हम बैठे हैं कार में और अब जा रहे हैं नमक मंडी की तरफ। और मौसम देख लें अच्छा है, धूप निकली हुई है लेकिन हवा बड़ी तेज़ चल रही है, तो हम ज़रा अर्ली जा रहे हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं हमें यहाँ पे नमक मंडी ही ज्वाइन करेंगे। और ये देख लें अभी टाइम यहाँ पे हो चुका है 5:45 का, 5:45 का। तो जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जी नमक मंडी। तो जी आज आपको मैं सैर करवाती हूँ नमक मंडी की, तो आज का व्लॉग जो है आप खूब इंजॉय करने वाले हैं मेरा। तो ये जी इस साल इन्होंने नया बनाया है, और ये जो न्यू नमक मंडी है यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। जो ओल्ड वाला था वो इतना बड़ा नहीं था, और ये तो इन्होंने बहुत ही जो है खूबसूरत बना लिया है। और जैसे 250 पीपल जो है वो सिट इन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जी रमज़ान बूफे डिनर है, पूरा रमज़ान ही जो है वो बूफे पैकेज है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत। और मैं कहती हूँ मैंने भी केटरिंग का जो है वो किया हुआ है कोर्स, तो इसलिए यहाँ पे साफ़ सुथराई में भी जो है इनको अच्छे मार्क्स जो हैं जाते हैं। तो मैं पूरा आज का आपको जो है रिव्यू देने वाली हूँ। तो बच्चे अदीन माशाल्लाह से जो है बड़ा खुश था, और वो मुझे यही कह रहा था कि मामा सो फैंसी। मैंने कहा हाँ बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है। तो हम इसलिए हम थोड़ा सा आज जल्दी आ गए थे ताकि मैं आराम सुकून से जो है मैं वीडियोस बना लूँ। फिर जब फिर बिज़ी हो जाता है तो फिर मुश्किल होता है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बार बार जो है ना वीडियो बनाती चलती। इसके अलावा इनके अंदर भी अभी फूड आएगा क्योंकि हम ज़रा जल्दी आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी फूड सर्व होएगा। इसमें जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। और जैसे ये देख लें, चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाही, लैम कढ़ाही, ये है तमाम लवाजमात। इसके अलावा ये है कुबीदा कबाब, ये है जी चिकन विंग्स, और यहाँ पे हैं चपली कबाब, काबली पुलाव भी है, ये तो मैं खाऊंगी। और इधर भी है जी लैम कढ़ाई। तो माशाल्लाह से काफ़ी कुछ है, तो खाएंगे हम। और आज की इफ्तार जो है खूब इंजॉय करने वाले हैं। ये देखें जी, इसलिए तो खाना गर्म रहता है, ये नीचे उन्होंने ये बंदोबस्त किया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे। ये देखें, इस बंदे को 2 साल लगे थे हम लोगों को इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में। देखिए ये एक एक पीस ये जो बना हुआ है हाथ से बना हुआ है, ऑल ऑफ दिस। और ये जो शैंडलियर हम लोग इसको लगा था अबाउट 3 वीक्स, हम लोगों ने खुद बनाया था इसको, 3 वीक्स लगे थे एक एक पीस को हम लोगों ने हाथ से बनाया। और जी फैमिली वालों को मैंने फ़ोन किया तो वो बेचारे ट्रैफिक में स्टक थे क्योंकि 5 to 6 o'clock का जो टाइम होता है ये ज़रा रश आवर का टाइम है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे। और ये देख लें जी अलीना दे नाम की जो बुकिंग यहाँ पे मैंने अपनी करवाई हुई थी, तो बस अब वेट कर रहे हैं बच्चे भी यहाँ पे कि मामा कितना टाइम रह गया रोज़ा अफ्तार होने में। मैं कहा पुत्र जी अभी बड़ा टाइम है, अभी तो बस हम ही यहाँ पे पहुँचे हैं, बाकी तो यहाँ पे स्टाफ ही था तो और तो कोई नज़र नहीं आया। या का जी फेवरेट रूह अफजा विद चिया सीड्स, रबिया को तो चिया सीड्स बड़े पसंद हैं, रबिया का तो फेवरेट है ये फेवरेट। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, माय नेम इज जाफा फलाही, आई हैव द प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी एन ईरानियन एंड फर्दरमोर हैव द बरकत टू बी इन दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल नमक मंडी। इट इज माय प्रिविलेज टू बी एट योर सर्विस एंड हैव द अपॉर्चुनिटी सर्विंग यू टाइम एंड अगेन। Namak Mandi is wishes to offer you a cultural understanding of not only the food but a background which is as opulent as the layout that is in India. What makes it so special is that we are nothing but the frame of a picture.
but the real picture within that frame is the customer, the guests that are here to dine with us and experience the friendly atmosphere that we have. Anytime you do come, I look forward to have the pleasure to be at your service. My name is Jafar, to be at your service at all times. Thank you very much. Thank you. लोगों का हजूम में एक दफीर आना शुरू हो चुका है यहाँ पे, तो बस हम भी अपने फैमिली वालों का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। This is a Persian salad. Persian salad. Chicken, mayonnaise, gherkin, peas. Okay. Okay. All placed together. All right. Okay. So it's smooth. Yeah. If you find the dish that's too spicy, okay, you put that on, and what it does is it smooths the dish, okay, and makes it much more refined. That's fine. Especially for children. And this one new. Yeah, I will try this one. And this is fruit chaat. That's right. Yes. Fruit chaat salad. तो ये हैं जी यहाँ के मास्टर शेफ़ जिन्होंने जो है इतना यमी फूड और ये फ्रूट सैलड जो है सारा ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंटेशन चेक करें। तो इन्होंने ये जो है ज़्यादा पर्शियन और टर्किश स्टाइल जो है ये फूड ज़्यादा वो बनाते हैं और बहुत ही जो है ये मज़े का जो है इनका नमक मंडी का फूड होता है, माइल्ड ही होता है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो ये है जी यहाँ पर डिज़र्ट जिसमें शाही टुकड़े, जैली, खीर और इसके अलावा दो किस्म की जो है यहाँ पे खीर थी। तो बच्चों की तो आज मुझे माशाल्लाह से जो है ना वो लगने वाली। तो जी आ गए मेहमाने खुसूसी आ गए, बाकियों का भी वेट किया जा रहा है, तो सब आ जाएंगे। तो फिर और स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें चपली कबाब, हाय 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 इतने मज़े के हैं ये, और मैं कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना ज़्यादा ये स्पाइसी ना ही बहुत ज़्यादा जैसे आप कहते हैं कि ऑयली फूड होता है, बिल्कुल वैसा नहीं था। और साथ ये चिकन विंग्स और अदाना कबाब, अदाना कबाब को जो है ये देख लें उन्होंने ऐसे पीसेस में कट किया हुआ है, और वेजी पकौड़ा में मशरूम्स पकौड़ा थे और साथ अनियन पकौड़ा, तो ये भी ऑप्शन थे दो। और ये पकौड़ा भी बहुत मज़े के थे और चिप्स बच्चों के फेवरेट, तो ये भी जो है इन्होंने यहाँ पर ये देख लें जी कितनी क्रोकरी, देखें कितनी खूबसूरत है, मैं तो इनकी क्रोकरी से बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। बोनलेस चिकन रोगने जोश, रोगन नॉर्मल इज वाह, हलीम हलीम वाज बेस्ड इन ईरान, ही यूज्ड टू बी सर्व टू द किंग्स ऑफ पर्शिया एंड द सुल्तान्स ऑफ तुर्की। ऑल राइट ओके, वाज इंट्रोड्यूस्ड, यस दैट्स फाइन। ओह बिरयानी माय फेवरेट, फैंटास्टिक, इट्स कुकिंग बट इट्स ओके। सो दिस वन इज द चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। जी चिकन कढ़ाई के बाद आते हैं अभी ये काबली पुलाव, ये जो है अफ़गानियों की फेवरेट और ये बहुत ही जो है मज़े का होता है। और इसके अलावा जो है जी ये लैम कढ़ाई, ये भी थी। तो मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है, स्टार्टर से लेके मेन मेन्यू तक ज़बरदस्त है जी। तो जी यहाँ पे अब आया है वेजिटेरियन ऑप्शन, ये आई थिंक एवरीडे इनका चेंज होता है। तो आज जी मसाला भिंडी थी और ये भी बहुत मज़े की जो है ना बनी हुई थी, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अजान की आवाज़ जो है वो हमने सुनी, और उसके बाद जो है रोज़ा अफ्तार किया। और जी हम लेडीज़ ने जो है नमाज अपस्टेयर, इन्होंने रूम बड़ा प्यारा यहाँ पे नमाज के लिए बनाया हुआ था, वहाँ पे हमने नमाज अदा की। और उसके बाद ये देख लें जी यहाँ पे भी खूबसूरत ये शैंडलियर और साथ सामने नमक मंडी, जिंदाबाद। बच्चा पार्टी सब खा रहे हैं खाना, और मैं जाती हूँ और अपनी प्लेट बना के मैं लेके आती हूँ। ये है जी मेरा अभी स्टार्टर, तो स्टार्टर के बाद जो है मेन मील की तरफ हम आएंगे। ये मेरी ग्लासेस की तरफ पड़ी हुई वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन मिंट, खाना हम खा रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा, फूड भी मैं कहती हूँ ज़बरदस्त था, और एंजॉय कर रहे हैं नमक मंडी। तो ग्लासगो वाले ज़रूर नमक मंडी आए और यहाँ पे जो है रमज़ान का बुफे वो आके खूब एंजॉय करें। जी यहाँ पे डिज़र्ट लिया जा रहा है और बिजी है, काफ़ी लोगों से भरा हुआ है जी। ये है जी मेरा मेन मील, भिंडी, लैम कढ़ाई, हलीम और उसके साथ ये नान। जी शाही टुकड़े। और जी खाना खाने के बाद
मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉक भी मैं कर लेती हूँ और अपनी वीडियो भी जो है बनवा लेती हूँ। और यहाँ पे जी मैं डिज़र्ट के बारे में कह रही थी कि ये वाला हमने ट्राई नहीं किया, और जी ये इन्होंने एंड पे जो है वाटरमेलन जूस जो है ये हमें सर्व किया, और ये बहुत जो है हाजमे के लिए बेस्ट है। ये खाली वाटरमेलन का जूस नहीं, इसमें मिंट, सैफ्रन और लेमन भी था, तो बहुत ये जो है ना टेस्टी, और हम सब ने जो है जी खूब ये इन्जॉय किया। और ये जी मास्टर शेफ़ की तरफ से हमें जो है फ्री में सबको मिला, तो हमने जो है खूब इन्जॉय किया। और यहाँ पे ये अपनी फैमिली के बारे में हमें बता रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे हमें लगा। बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया, फैमिली ने भी। तो ग्लासगो वालों में आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप सब यहाँ पे आएँ अपनी फैमिली के साथ, अच्छा बुफे डिनर जो है इन्जॉय करें, और अपना रमज़ान जो है यहाँ पे कुछ गुआर मेमोरीज के साथ मनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमक मंडी जिंदाबाद। वो चले गए हैं लेकिन हम अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे जो हैं पी रहे हैं अपना। तो जी टाइम हो गया, तो अब हम जा रहे हैं। बड़ा अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा, बच्चों ने जो है खूब इंजॉय किया। सो टाइम टू गो होम। यहाँ पे जी पेमेंट होने जा रही है बिल। अब खाना तो बड़े शौक से खाया, अब बिल की बात है। सर्दी लग गई, सर्दी फैशन की आज देख लेने। तो बड़ा अच्छा जी हमारा टाइम गुजरा, सारे फैमिली वाले हो आ जाओ। नमक मंडी से हमने आज किया था जी इफ्तार। आगे सारे हो गए। I think it's going to snow tonight. उन्होंने कहा yes, ध्यान से ध्यान से। सर्दी का पता चल रहा है, जब भी आए अपने आप को कवर करके बाहर निकले। अगर सर्दी लागी ना तो फिर पट्ठे वगैरह सारे जड़े ना साढ़े जुड़े आते ने सर्दी ना, तो अपने जो है ना अपने ये कोट शोट पहन के बाहर निकला करे।